62-63 और बैरिया ग्रीन सो लास्ट में है, लेकिन फैक्ट्रीज थे जो सबसे ज्यादा जो है परेशान थे। तो अब जो है जो 62-63 का जो महीने से जो है ये मसला चल रहा है, 62-63 जो प्रेसेंट है अभी, इसके जो फैक्ट्रीज है उनकी सबसे ज्यादा वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे तो ऑलरेडी और कॉल्स पे बिल्कुल ऐसी है कि आपको बता नहीं सकता, इसी साल दो साल से वेट कर रहे थे कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका प्रेसेंट जो है बैरिया टाउन अनाउंस कर देगा, प्लॉट मिलेगा, लेकिन अभी वो भी इनकी जो उम्मीद है वो भी खत्म हो गई है। उत्तर बासठ की शटल में वो भी आउट हो गया। बैरिया ने एक अनाउंसमेंट की थी जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल थी, जो फुल पेड फाइल थी, बैरिया ने उसको जो है इंटरटेन किया। जवाब कि बाउंड्री से जो चीज़ें कट गई थी उनकी 3-4-5 साल से डिस्प्यूटेड थी वो फाइल। 125 गज के प्लॉट जो थे जो फुल पेड थे उनको बैरिया ने एलोकेट कर दिया था बैरिया ग्रीन्स में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बैरिया के बारे में अपडेट करूंगा और हमारे साथ जो हम ज्वाइन करेंगे वो है बैरिया के एक्सपर्ट आजाद खान साहब। हम उनसे बैरिया की लेटेस्ट जो मार्केट है उनके मुताबिक उनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि मैं आजकल की जो मार्केट है वो कैसी है। तो इंशाल्लाह वो आप हमारे साथ हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अय्याज भाई, कैसे हैं आप? खैरियत है, ठीक है? हम कैसे हैं नवी साहब, आप खरीफ हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। अच्छा अय्याज साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल की जो मार्केट है उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्मेशन दें कि आजकल की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है। देखें नवी साहब, आजकल जो मार्केट सिचुएशन चल रही है, जो हॉट जो है अभी जो इश्यूज है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि प्रेजेंट 62-63 और बैरिया ग्रीन सो लास्ट में है, लेकिन मैं आपको बात करने जाऊँगा प्रेजेंट 62 और प्रेजेंट 63 की, जो अभी सबसे ज़्यादा जो है जो हमारे बैरिया जो है, पहले बैरिया फैक्ट्रीज थे जो सबसे ज़्यादा जो है परेशान थे। तो अब जो है जो 62-63 का जो महीने से जो है ये मसला चल रहा है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है किसी वजह से, बैरिया तो जानबूझ के नहीं करता उसमें जो है, ये जो नॉन सेफ हो गई प्लॉट जो है, पहले सेफ थे। और सबसे ज़्यादा जो क्यूरीज आ रही हैं हमारे पास अभी कि बैरिया फैक्ट्रीज की तो ऑलरेडी आती हैं जो पुराने जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं और 23-1 विलाज हैं, ठीक है, ये इसकी तो आती थी। अभी 62-63 का जो है प्रेजेंट 62-63 का सबसे ज़्यादा मसला चल रहा है। इसके हवाले से मैं आपसे डिटेल में बात करेंगे, तो आ जाएँ हमारे साथ। नहीं, फिर अब याद साहब से मज़ीद इंफॉर्मेशन लेते हैं। हस भाई जी, नवी साहब, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 62-63 जो प्रेजेंट है अभी, इसके जो फैक्ट्रीज हैं उनकी सबसे ज़्यादा वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स की जा रही हैं कि हमें बताएं कि हम क्या करें 62-63 का। तो 62-63 का जो क्वेश्चन है उस 2 और प्रेजेंट 63 की सबसे ज़्यादा क्यूरीज है हमारे पास, जो आ रही हैं मैसेज के थ्रू भी आ रही हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रही हैं, फेसबुक के पेज पे भी आ रही हैं, यूट्यूब जितनी भी सोशल साइट है, और व्हाट्सएप पे तो ऑलरेडी और कॉल्स पे बिल्कुल ऐसी है कि आपको बता नहीं सकता कि जितने पहले तो फैक्ट्रीज की आती थी और अभी जो है सबसे ज़्यादा 62-63 की कॉल हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 62-63 जो है अभी बिल्कुल सबसे बड़ा इशू चल रहा है, क्योंकि जब से इसे वो नॉन सेफ किया गया है, पहले सेफ प्लॉट थे तो लोग थोड़ी सी साल दो साल से वेट कर रहे थे कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका प्रेजेंट जो है बैरिया टाउन अनाउंस कर देगा। बैरिया का भी कसूर नहीं है, बैरिया जानबूझ के ये सारी चीज़ें नहीं करता। तो ये इशू हैं जिसके मामला चल रहे हैं, तो फर्दर हम इसके हवाले से नवीद साहब से भी एक्सपर्ट राय लेंगे, इनसे भी सजेशन लेंगे कि इसका क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है। तो नवीद साहब ये बताएं इसका क्या चीज़ें होने जा रही हैं। अय्याज भाई, बात ये है कि पहले जो कुछ दूसरे प्रेजेंट की 125 गज की, 250 गज की, 500 गज की, उसको बैरिया ने मर्ज किया 61-62 में, लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला बन गया है, पहले तो सुनने में आ रहा था बल्कि इसके मैप भी आ गए थे कुछ टाइम पहले, तो ये ऑन ग्राउंड होगा कि जो कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई बैरिया हमें पहले तो कुछ टाइम ये था कि स्पोर्ट करेगा, भाई प्लॉट मिलेगा, लेकिन अभी वो भी इनकी जो उम्मीदें वो भी ख़त्म हो गई हैं। उत्तर बासठ की शक्ल में वो भी आउट हो गया है। अब वो बिल्कुल किसी हद तक बैरिया को भी हम कह सकते हैं कि इनको भी चाहिए कि अपने क्लाइंट के साथ थोड़ा सा स्पोर्ट करें, क्योंकि बैरिया ने काफ़ी ज़्यादा जो ज़मीन भी ऑलरेडी अभी परचेज़ की है और इन फ्यूचर भी वो करेगा, उनको चाहिए कि जो उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो उनकी फैमिलीज की तरह है, उनको आगे लेके चले, एक जो ट्रस्ट लेवल है उनका वो बढ़ाए ताकि मार्केट में भी अच्छा असर पड़े। तो ये था, जैसे एक बैरिया ब्रांड है, लोग आते हैं, हमें पता है कि हम जब से काम कर रहे हैं लोग तो बैरिया के ब्रांड के एक नाम ही सुनते थे,
और जगह बाद दीगर इस पर इन्वेस्ट करते थे कि भाई ये एक ब्रांड है, लोग इसमें इन्वेस्टमेंट की भी करते थे। अभी आपके सामने के राज भी करते थे। अभी बहरिया समझ लें कि 20% भी या 15% आबाद है, 5 से 6 लाख जो आबादी है। मलिक साहब को क्या सजेशन देंगे? मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे नई डील आ रही है उनमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो ये जो फाइलें अभी आउट ऑफ बाउंड्री हैं उनको चाहिए कि बहरी को कुछ ना कुछ वो दे। अभी थोड़ी देर पहले ही तकरीबन 8 से 6 माह पहले या 8 माह पहले बहरी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी, जो इस ए के जो विले हैं उनको फाइलों के अगेंस्ट बहरिया अपार्टमेंट भी दे रहा था। लेकिन अगर मैं एक तरफ सोचूँ तो कुछ ये अच्छा ऑप्शन था लोगों के लिए, लेकिन लोग भी जो है वो डिसीजन लेने में बहुत देर कर देते हैं। उनको भी चाहिए कि कुछ ना मिलने से कुछ होना बेहतर है, ताकि बहरी आपको कुछ ना कुछ दे रहा है। आप भी वन साइडेड होकर ना सोचें, आप भी बहरी के साथ कुछ काम करें ताकि ये कहीं ना कहीं क्लोज हो सके। था जिस तरह नवी साहब ने आपको बताया कि बहरिया को कुछ ना कुछ देना चाहिए। देखिए बहरिया मलिक रियाज साहब जो है, और जो बहरिया की मैनेजमेंट है, सबसे बड़ी बात यह है वो सोचती बहुत है कि इतने सालों से जो चीज़ें पेंडिंग में थी, अभी रिसेंटली आप जब लास्ट 2 मंथ बिफोर हम जाते हैं तो बहरिया ने एक अनाउंसमेंट की थी, जो आउट ऑफ बाउंड्री फाइल थी, जो फुल पेड फाइल थी, बहरिया ने उसको जो है इंटरटेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो आउट ऑफ बाउंड्री जो फाइलें थी, पेड फाइल, फुल पेड जो अमाउंट जिन्होंने किया हुआ था अपने प्लॉट्स का, उनको री एलोकेशन उनको बहरिया ग्रीन्स पे दिया। नवीद साहब के जवाब से सवाल बना, सवाल बनने के बाद ये मेरे जहन में आया, तो बहरिया ने उनको बहरिया ग्रीन्स पे वो री एलोकेशन की जो बिल्कुल कटी हुई थी बाउंड्री से, समझ रहे हैं नवीद साहब आप, कि बाउंड्री से जो चीज़ें कट गई थी उनकी 3-3, 4-4, 5-5 साल से डिस्प्यूटेड थी वो फाइल, 125 गज के प्लॉट जो थे जो फुल पेड थे उनको बहरिया ने एलोकेट कर दिया था बहरिया ग्रीन्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज बहुत खुश है, और वो बहरिया की मैनेजमेंट का और मलिक रियाज साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। वो कहते हैं ये हमारा एक मसला तो है, ये तो रिजॉल्व हो गया है। मैं अपने बहरिया अफेक्टिस को ये मैसेज दूंगा कि आप मायूस बिल्कुल ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहरिया की मैनेजमेंट और फर्स्ट ऑफ ऑल बहरिया टाउन के जो हमारे ऑनर हैं मलिक रियाज साहब, आपको बहुत जल्द कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर देंगे। मलिक साहब पूरे बहरिया के बारे में सोचते हैं और अपने क्लाइंट्स के बारे में सबसे पहले वो सोच रहे होते हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है होपफुली कि वो बहुत जल्द जितने भी एफेक्टिव हैं उनको कोई गुड न्यूज़ देंगे। तो इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।